परिचय प्रेजेंटेड बाय चांद मल्टीमीडिया एंड माँ उग्रतारा नेटवर्क। जल ही जीवन है और आज जल संरक्षण के मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तीन खास शख्सियत, तीन मेहमान शामिल हैं। इनके नाम हैं श्री नंद कुमार गुप्ता जी, श्री मदन केशरी जी और श्री विनोद कमलापुरी जी। जल ही जीवन है यह तो हम सब जानते हैं, लेकिन जल संरक्षण क्या है और कैसे ये लोग काम करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नई मंजिल, नया पड़ाव और नए रास्ते बनाते हुए संघर्ष के क्या है, इनके रास्ते में रुक कर के इन्होंने क्या काम किया, क्या संघर्ष किया और जल संरक्षण को ही क्यों चुना इन्होंने, आखिर इस क्षेत्र में जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसे बहुत सी बातें हम करेंगे। चलिए अपने बातचीत की इस यात्रा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कमलापुरी साहब जी से, आप लोग जल संरक्षण के मुद्दे पर बड़े लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, तो क्यों आपको ऐसा महसूस हुआ कि जल के संरक्षण के लिए भी काम करना चाहिए? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक्चुअली पानी की कमी है ये आम लोग जनरली नहीं जान पाते हैं, क्योंकि यह ज्वलंत मुद्दा तब बनता है जब गर्मियों में पानी सूख जाता है, पीने के लिए भी पानी का मुश्किल होता है, तो आम जन को पता चलता है कि जल चाहिए। लेकिन हम लोगों ने महसूस किया आज के कोई दो ढाई दशक पहले कि पानी को यदि नहीं बचाया जाएगा तो भविष्य में पानी के लिए लोग परेशान हो जाएंगे। और मैं चूँकि जिस बिजनेस में काम करता था उसमें गुजरात से आता थी एक घड़ी, अजंता घड़ी, तो उस घड़ी के कार्टून में छपा होता था वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम। अच्छा। मैं वहां से इंस्पायर हुआ। तो घड़ी के कार्टून पर आपने देखा और पहली बार आपने देखा, तब आपको समझ में आया कि जल संरक्षण जैसी कोई चीज है। जॉइंट्स वेलफेयर फाउंडेशन का आप लोगों ने निर्माण किया, एक संस्था जॉइंट्स वेलफेयर फाउंडेशन, और इसके तहत आपने काम करना शुरू किया और आपके दिमाग में ये आइडिया आया घड़ी के डिब्बे पर देख करके, तो एक नई मंजिल की तरफ आप चल पड़े और आपके साथ आए लोग। हमारे साथ ही हैं। अच्छा। तो मैं उसके बारे में दो मिनट पहले ब्रीफ कर लूं कि एक अजंता कंपनी है जो घड़ी बनाती है और गुजरात में, राजस्थान में जल की बहुत कमी होती थी वहां पर। सर थोड़ा सा ये ईसवी सन बता दीजिए, कब की ये बात है? ये मैं बता, ये बात मैं कर रहा हूँ 1992 से 95 के बीच की, ठीक है ना। तो हम पहले घड़ी पर, वो कोई आता है तो कोई ध्यान नहीं देता है, तो हम वहाँ विजिट किए तो पानी खरीद के पीना पड़ता था। पानी खरीदना ये हमने कभी कल्पना ही नहीं किया था। तो गुजरात में जब पानी खरीद के पिए तो हम इधर आए, यहाँ लोगों को हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर हम लोग 1995 में जॉइंट्स वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें यह मुख्य प्रोजेक्ट था एक जल संरक्षण, चूँकि यह इंटरनेशनल संस्था है भारतीय मूल की, तो हम लोगों ने उस पर फोकस किया और यह दिमाग में रखा कि आने वाले दिनों में पानी की कमी हो सकती है। क्योंकि मतलब 95 में आपको पानी खरीद कर पीना पड़ा, तो 92-93 में, तो ये आपकी दूरदर्शिता थी, आपने सोचा भविष्य में क्या दशा होगी जब अभी खरीद कर पी रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है समाज के लिए आपने सोचा। शुरुआत कैसे हुई आपके जल संरक्षण अभियान का? जी मैं वही बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग यहाँ डिस्कस करने लगे, हमारा इंटरनेशनल का ये प्रोजेक्ट था वाटर हार्वेस्टिंग, तो हम लोग ने जो है शुरू में लोगों को अवेयर किया लेकिन कोई समझता नहीं था। तो सबसे पहले जो गढ़वा में महसूस हुआ वो 2008-09 में बहुत कम वर्षापात हुआ। अच्छा, जब वर्षा की कमी हुई, पानी की कमी हुई, तब लोगों में पता चला यहाँ गढ़वा में। कार्यक्रम करते थे अवेयरनेस कॉलेज में, स्कूल में, समाज में जाके करते थे वाटर हार्वेस्टिंग संबंधी सेमिनार करते थे, लेकिन जब तक नहीं बुलाता कि अपना पैर न फटे बेवाई तो क्या जाने पीर पड़ाई। तो गढ़वा में 2008-09 में जब पानी की कमी हुई और क्या करोड़पति, क्या छोटा व्यक्ति, हर व्यक्ति हाथ में बाल्टी और भैट लेके और पानी खोजते चलता था। अच्छा। इतनी जल की कमी हो गई, तो हम लोग जो कर रहे थे लोगों को वो बात समझ में आया कि वो वर्षा की कमी के कारण जल स्तर बहुत नीचे चला गया और पूरी जनता को पूरी कमी महसूस हुई। जी। धन पैसे से तो पानी उस वक्त खरीद नहीं सकते थे। तो क्या हुआ कि पानी की कमी हुई और लोगों के दिमाग में आया कि वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। चूंकि मैं एक चीज और बता दूं, पूरे दुनिया में मुश्किल से 2-2.5% जल ही पीने लायक है, बाकी जल जो है वो खारा जल है, जबकि 3/4 जमीन जो है वो पानी से भरा हुआ है, समुद्री पानी से, जो पीने योग्य नहीं होता है। तो ये बात को हम लोगों ने लोगों को समझाने में सक्षम अपने आप को पाया और समझाया, और उसके बाद लोग स्वेच्छा से वाटर हार्वेस्टिंग की ओर प्रेरित हुए।
जब पानी की कमी हुई तो आप लोग, आपको आसान हुआ लोगों को समझाना जी, अपने अपने मिशन में कामयाबी मिलना। चलिए मैं चर्चा में बाकी दो मेहमानों को भी शामिल कर लेती हूँ। नंदलाल जी स्वागत है आपका, सॉरी नंद कुमार जी स्वागत है आपका। जैसे आपके मित्र बता रहे हैं कि घड़ी के डब्बे पर पहले बार जल संरक्षण जैसी चीज़ों को इन्होंने देखा, फिर फाउंडेशन जॉइंट्स वेलफेयर फाउंडेशन से मिलकर इसकी शुरुआत करी, पानी खरीद के पीना पड़ा। आपने कैसे शुरुआत करी? मैं 1992 में आपको ले जाना चाहूँगा। उस समय गढ़वा नई नई डिस्ट्रिक्ट बनी थी और इसके सतपति वहाँ के डीसी बन के आए हुए थे और 1992 में हमने एक डिस्ट्रिक्ट क्लब की स्थापना किया था जी। और उसी समय 1992 में गढ़वा में भयंकर अकाल पड़ी जी। हाँ, उस समय ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो गई, पानी की कमी होने लगी जी। और वैसे मैं बताऊँ, गढ़वा ड्रेन जोन में आता है, रेन शेड वाटर में आता है, वहाँ पर यहाँ पर बारिश सब जगह होगी लेकिन गढ़वा में बारिश कम होती है। नतीजा हुआ कि लोग पानी के टैंकर आती थी तो लाइन लगता था, लड़ाई होता था पानी के लिए, लड़ाई होने लगती थी। मैं उसको मॉनिटर हम लोग करते थे और दूर दूर जाके हम लोग खुद अपना घर का बोरिंग सूख जाता था, एक बाग में निमिया स्थान है 1.5 करोड़ नदी के किनारे, वहाँ पे हम लोग जाके पानी का यूज करते थे। अंत में जब पानी का महसूस हुआ तो सरस्वती नदी है वहाँ पर एक कुआँ बनाया गया और वहाँ से कम 500 मीटर पड़ता है दूर, वहाँ से पाइप लेके हम लोग घर में अपना यूज करना शुरू किए। जब पानी मिलने लगी तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ कि पानी का मिस यूज हो। इस बीच हम लोग काम करते रहे। 1995 में जैसा कि विनोद जी ने कहा, हमारी जॉइंट्स वेलफेयर फाउंडेशन की स्थापना हुई, उसके ब्रांच हम लोग जॉइंट ग्रुप ऑफ गढ़वा यहाँ पर निर्माण किए। हमारा वर्ल्ड चेयरमैन नाना चुड़ासमा बहुत दूरदर्शी थे, पद्मश्री से भारत सरकार ने उनको आवाज दिया। उन्होंने आह्वान किया कि हमारे जितने विंग है वो सब वाटर हार्वेस्टिंग पर काम करेंगे, क्योंकि गुजरात में और अन्य जगहों पर पानी की, महाराष्ट्र में लातूर में कई जगहों पर पानी की बहुत स्कर्सिटी होगी और गढ़वा तो झेल ही रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग किया और कहा कि नहीं, अब हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग पर काम करेंगे और हम लोगों ने पंपलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया। लोग नहीं समझ पाते थे तो हम लोग कहें क्यों नहीं हम लोग पहले घर में अपना किया जाए। हमारे करीब करीब मेंबर, मैं अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग किया, विनोद जी किए हैं, मनोज जी। अच्छा, वो क्या क्या तरीका था सबसे पहले, क्योंकि कुछ संसाधन भी नहीं रहे होंगे तब, 92-93 की बात कर रहे हैं, तो जल संरक्षण का वो शुरुआती कौन सा तरीका आपने अपनाया? वही मैं बताऊं, मैंने जल संरक्षण के लिए हम लोगों ने पहले लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। स्कूल में जाते थे और वहाँ कहते थे कि अगर चापाकल है, कुआं से नहाते हो तो एक गड्ढा वहाँ पर कर दो, उसमें पानी जाएगा तो जमीन के नीचे जाएगा। अच्छा। हम लोग बच्चों को जागरूक करना शुरू किए, स्कूल में किए, कॉलेज में किए, फिर हम लोगों को गाइडलाइन आता गया कि वाटर हार्वेस्टिंग जमीन के नीचे को पानी को डालो। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग अपने घर से शुरुआत करेंगे। मैं ये स्वयं और हमारे आज करीब करीब 20 मेंबर के घरों में वाटर पिट्स बना हुआ है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 10 फीट 12 फीट 15 फीट का गड्ढा कर देते हैं और उसमें बालू का लेयर, ईंटा का टुकड़ा लेयर, बालू का लेयर, ईंटा का लेयर, वो करके ऊपर तक कर देते हैं और छत की पानी, बाथरूम का पानी उसमें डालते हैं, वो धीरे धीरे हार्वेस्टिंग होता है। मैं बता दूं मैडम कि हमारे घर में बोरिंग गर्मी में सूख जाती थी और मैं वाटर हार्वेस्टिंग किया, पानी अब हम यूज कर रहे हैं। दूसरी बात कि हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को जागरूक बनाने के लिए राजेंद्र सिंह जल पुरुष से झारखंड के, उनको इसी परिसर में यहाँ बना के एक बड़ा सेमिनार किया था हम लोगों ने और उसके लिए लोगों को जागरूक किया कि पानी बचाओ। और हम लोग जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग पर जरूर करते हैं, लोगों हो चाहे पंपलेट हो, लोगों को मुरली बोलते हैं, अब तो विधायक फंड से और कई फंड से चापाकल लगने लगे, वहाँ भी लोगों को जाके कहते हैं कि नहीं, चापा का पानी को है उसको गड्ढा कर दो, गड्ढा में डालो, कुछ तो अंदर जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम निकली है ये वाटर पिट्स का, ये डैम का, चेक डैम का, वो भी अच्छी बात है। अभी अभी सोनपुरवा में, गढ़वा के एकमात्र तालाब है सोनपुरवा, मैं बताऊँ आपको कि सोनपुरवा में अभी 1.5 करोड़ का लागत से सौंदर्यीकरण के कार्य होने वाला है। मैं नगर परिषद पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि उसकी सफाई की भी व्यवस्था की जाए। अमूमन क्या होता है कि सारा कचरा उसमें डालते हैं लोग, अज्ञानता कहिए, अशिक्षित कहिए, दुर्गा पूजा का मूर्ति स्थान, सरस्वती पूजा का मूर्ति स्थान, विश्वकर्मा जितनी होते हैं, नगर परिषद को चाहिए कुछ सफाई दें। और अभी जो 1.5 करोड़ की योजना सौंदर्यीकरण हुई है,
मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि उसको गड्ढा करने का उपाय, क्योंकि तालाब बहुत भर चुकी है। ये जो मूर्तियों की मिट्टियों से ऐसे जमीन में समतल ज्यादा ऊंचाई तक आ गया है। हाँ, आता जाता है। तो अगर डीप रहेगा तभी तो वाटर हार्वेस्टिंग होगी। उसके बगल में विधायक फंड से डीप बोरिंग हुई। आप यकीन नहीं करेंगे, 600-700 फीट पे पानी हुई है, लेकिन पानी सफिशियंट मिले चूंकि बगल में तालाब है। और उसके वजह से सुनपुरवा में, हमारे मोहल्ला में या कई मोहल्ले में वाटर डीप वायरिंग करके और डोर टू डोर। सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और चैनल के माध्यम से भी मैं भी प्रशासनिक अधिकारियों को बोलना चाहूँगी कि आपकी बात जो है इसको जरूर संज्ञान में लिया जाए। मैं एक और प्रश्न उठाना चाहूँगी कि ये नदी जब हम लोग खुद बच्चे थे तो यहाँ छठ पूजा आदि हुआ करती थी, और अब ये सरस्वती नदी या दानरो नदी ये इतनी प्रदूषित हो गई है कि लगता है कि नाली है ये। तो आप सफाई के इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। अब पीने लायक अभी जो सप्लाई का पानी घरों में आ रहा है वो भी अमूमन काला ही आता है। तो जल संरक्षण में ये स्थानीय नदियों के सफाई का बीड़ा कौन उठाएगा? क्या इस पर भी आप लोग कुछ ध्यान देंगे? अभी तो एक संस्था, अभी भानु प्रताप जी के नेतृत्व में कोई चैरिटेबल संस्था है, उन्होंने सरस्वती नदी का किया। बिल्कुल आप बोल रही हैं, अच्छी यह नदी अब नहीं रहा। एक समय था हम लोग इसमें खेलते थे, बालू से भरी रहती थी, आज वो नाली हो गई, नाला हो गया। इसको मैं भी आपके माध्यम से चाहूंगा, क्योंकि हम लोग के पास संसाधन बहुत कम है, हम सरकार का विंग नहीं है, हमारे इंडिपेंडेंट संस्था है, हमारे 40-50 मेंबर हैं, हम लोग अपना फंड एकत्रित करते हैं। हमारे पास उतनी संसाधन नहीं है कि हम नदी का हार्वेस्टिंग का जिम्मा उठा सकें। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि लोगों को जागरूक करूँ। अब देखा लोग अशिक्षित हैं, लोग सारा कचरा नदी में ला सर, वो एक्चुअली सिखाना पड़ेगा लोगों को। मैं मदन केसरी जी आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगी, आप भी अपना बहुमूल्य वक्तव्य दें हमें चैनल के माध्यम से। असल में होता यह है सर कि लोग धन को, रुपयों को संरक्षित खूब करते हैं। सबको ये लगता है कि पैसे हम जमा करें बैंक में, घर में, तिजोरी में, पुराने जमाने में तो मिट्टी के घड़ों में लोग संरक्षित, लेकिन जल को संरक्षित करें ये चीज कॉन्सेप्ट आम जनता में है ही नहीं। तो आप थोड़ा सा इस पे बताइए, आपने कैसे शुरुआत की, कैसे लोगों को कन्विंस किया कि पैसे तो जमा करते हो, पानी भी भविष्य के लिए जमा करो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि जैंट्स वेलफेयर फाउंडेशन ब्रांच 8 निरंतर अपने पदाधिकारियों के माध्यम से हम लोग गांव में जाते हैं और लोग को बताते हैं कि भाई जल को, जल ही जीवन है, जल के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लाइफ नहीं होगा, तो आप जल को संग्रह करो। तो उसके लिए जो पिट्स वगैरह का जो भैया बताएं कि पिट्स बना करके या फिर जो है हम जो उसको कैसे जो वर्षा का जल है उसको संचित कर सकते हैं, तो हम लोग स्कूलों में, कॉलेज में सारे बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है उनको जागरूक करने का अपने ये वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से हमने किया है जी। सर, मैं एक और बात यहाँ आप सबसे इस पर सवाल पूछना चाहूँगी कि पुराने ज़माने में जो पानी के प्राकृतिक स्रोत हुआ करते थे, तालाब, कुएँ, अब आप देखेंगे कि तालाब सूखते हैं तो उस पर लोग घर बना लेते हैं, तो दोबारा जब बारिश का मौसम आता है तो पानी कहाँ जमा हो, प्राकृतिक जल तो पर्याप्त आ रहा है। और जो कुएं हुआ करते थे उसमें अगर कुआं में थोड़ा भी जलस्तर घटता है तो लोग उसमें कचरा डालना शुरू करते हैं, तो बारिश के मौसम में ये जो तालाब और कुएं इसमें पानी जमा ही नहीं हो पाते हैं। अभी भी इस शहर में नहीं, भारत भर में देखिए, पहले साम्राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य नदियों के किनारे ही बसा करते थे, लेकिन अब नदियाँ नाली बन रही हैं और कुएँ और तालाब सूखते ही वहाँ जमीन में लोग घर बना ले रहे हैं और कुएँ में कचरा डाल रहे हैं। तो जल संरक्षण में इस चीज के लिए कि आप लोग जागरूक करते हैं कि नहीं, कि तालाब को तालाब ही रहने दो, कुआं को कुआं ही रहने दो। और जो सर एक चीज और है कि प्रशासन, नगर पालिका को ध्यान देना होगा कि घर की जो नालियां निकल रही है वो सीधे नदियों में जा रही है, इसीलिए अभी आप जाइए पानी उठाइए हाथ में तो बदबू आ रहा है, यहाँ लोकल जो स्थानीय सरस्वती जी कीड़ा चल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इसमें भी लोगों को शिक्षित करना होगा, जागरूक करना होगा। अब फिर मैं खुद ही बोल रही थी, सरस्वती नदी के आसपास जो घर बने हैं दानरो नदी के तरफ, तो सबके घर की नालियां निकल रही है वही नदी में, और नदी के बिल्कुल करीब घर बन चुका है। तो जब मैंने 2-4 लोगों से स्वयं ही बोला था कि आपके घर की नाली आ रही है सीधे नदी में, तो उनका कहना है हम क्या करें, हम कहाँ कैसे बनाएं। तो इस पर आप लोग क्या सुझाव दे सकते हैं? कमलापुरी जी, आपके देखिए आबादी का जब बोझ पड़ा था तो आबादी का जितना बोझ बढ़ा उतना जमीन और नदी तालाब नहीं बढ़ा, इसके कारण जो है वो स्रोत कम होते गए, और दूसरा कि उसका लोगों ने जो है अतिक्रमण किया तो स्रोत प्रदूषित भी हो गए और ख़त्म भी हो गए।
तो निश्चित रूप से बड़ी बड़ी संस्थाएं या गवर्नमेंट इसको करती है, जैसा अभी भानु जी ने किया है, सरस्वती नदी का पुनर्उद्धार किया है, उसी तरह इस नदी में भी जो जहां से इनके पानी आते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र है, अब यहां आता है पनघटवा से पानी, तो पनघटवा को भरने का प्रयास करना चाहिए, और पनघटवा से सालों भर पानी इसमें बहता रहे, क्योंकि सालों भर पानी नहीं बहेगा तो वाटर का लेवल नहीं मिलेगा। सर, नदी साफ कर दी जाएगी और पानी का स्रोत शुरू कर दिया जाए, लेकिन घर की नालियां उसमें मैं उस पर भी आ रहा हूँ। और दूसरी बात क्या है कि हर घर से जो पानी निकलता है, तो इसके लिए 2 मिनट, तो आप किसी लोगों से पूछिए तो बोले कि हम कहाँ बवाएं, ये तो बिल्कुल ये सत्य बात है, लोग कहाँ बवाएं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि लोकल जो है नगर परिषद, उनको स्कीम बनाना चाहिए, जो भी पानी होता है वो एक ड्रेन के माध्यम से, और वाटर को जो है प्यूरिफाई करने का जो प्लांट है वो प्लांट बिठा के, और फिर उस पानी का जो है उपयोग करना चाहिए, जैसा बड़े बड़े शहरों में होता है कि पानी का प्यूरिफाई करके और प्लांट लगा के उसको नदी में गिराएं या फिर से हम उपयोग करें। लेकिन वो इस दूरदर्शी प्रोग्राम पर ध्यान नहीं देते हैं, और मेरा तो इस तरह का बल्कि बहुत खीन होता हूँ, आरोप क्या लगाऊं कि लोग जो है सिर्फ थोड़ा सा आर्थिक लाभ के लिए बिना काम के स्कीम लेते हैं, सड़क गाली नली बिना, मतलब वो भी जरूरी है, लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है उसको भी दोबारा तिबारा तोड़ के बनाते हैं। लेकिन ये स्रोत जो कि बहुत ही जरूरी है जल संरक्षण के हिसाब से, पानी के बिना सब सुन माना जाता है, पानी हर व्यक्ति को जरूरी चाहिए, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट इसको मान के नगर पालिका को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहिए, और नली का पानी जो घर से निकलता है उसके लिए एक ड्रेनेज सिस्टम बना के, और जहाँ पर वो निकले वहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था हो, तभी। ये बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि जल को तो हम संरक्षित करेंगे भविष्य के लिए, लेकिन जो वर्तमान जल है उसको प्रदूषित होने से बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो गैप आ जाएगा कितना सर संरक्षित करेंगे, जब वर्तमान जल ही नदियाँ प्रदूषित होती जाएंगी तो हम संरक्षण करके कितना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और सब मतलब मुझे लगता है जनता को, सरकार को, शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि घर से लोग एक तो कचरा ना फेंकें, नदियों के आसपास आप देखेंगे यहाँ जो भी पुल ऊपर है बहुत सारा सब्जी का कचरा भी वहीं आ रहा है, नगर पंचायत वहीं फेंक रहा है जी, आदमी से क्या बोले जी, मैं व्यक्ति की क्या बात करूँ, नगर परिषद भी आप देख लीजिए, सामने दारनो नदी, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और दारनो नदी के दोनों किनारे पर कचरा भरा हुआ है और उसको प्लेन कर दिया गया है, नदी का अस्तित्व जो है वो 25% खत्म हो गया है। तो प्रशासन को भी चाहिए आम जनता के साथ साथ कि कम से कम अपना प्रदूषित कचरा कहीं सही जगह पर निस्तारण करें, और उसका भी एक प्लांट होता है कि कचरा को कैसे जगह पकड़ाया जाए, कैसे पुनर्उपयोग किया जाए, वो व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। ये घरों से जो गाड़ी जो होती है नगर पालिका की कचरा उठाती है, वो यहाँ नदियों के किनारे कचरा डाल रहे हैं ज्यादातर। अगर आप शाम में आप जाएंगे तो सरस्वती नदी के किनारे जितने ठेले वाले हैं, फल का रेसिड्यू जितना बचते हैं सब नदी में डालते हैं। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं कितने लोगों को डांटा हूँ, क्या कर रहे हो नदी में, क्यों फेंक रहे हो इसको। तो मैंने इसके लिए नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हमने सुझाव दिया है कि आप दिल्ली में जाएंगी तो गंगा जमुना के ब्रिज पर जाली लगा दिया जाए नली के, पेनाल्टी भी है सर जमुना में, मैं दिल्ली में हाँ। तो मैं यहाँ सुझाव दिया हूँ कि पूरे नली को लंबा करके जाली से उसको कर दिया जाए किनारे तक, ताकि लोग उसमें न फेंके। यमुना में जुर्माना है, और अहमदाबाद में आप नदियों के देखेंगे बकायदा वहाँ पुलिस का पहरा होता है और नाव पर पुलिस घूमती है कि कहीं से कोई वेस्टेज या कचरा ना फेंके। एक बात मैं और कहूँगी, प्रधानमंत्री का बड़ा महत्वाकांक्षी स्कीम था ये गंगा नदी सफाई कर, करोड़ों खर्च हो गए, 7 साल निकल गए, लेकिन नतीजा सिफर, गंगा साफ नहीं हुई। तो मैं बोल रही हूँ जब उतना बड़ा लेवल से आप लोग क्या कहेंगे, कहाँ कमी रह गई, करोड़ों रुपए की निकासी भी हुई फिर भी गंगा साफ नहीं हो सकी। देखिए मोदी जी का तो व्यू क्लियर है, लेकिन वो तो अपने खुद कर नहीं सकते हैं, एक जो सिस्टम बन गई है वो कैसा सिस्टम है वो आपको भी पता है, सबको पता है, तो उसी सिस्टम के तहत उनको काम करना पड़ रहा है। तो सिस्टम मेरे ख्याल से उतनी एक्टिव नहीं है जितना मोदी जी चाहते हैं। उमा भारती जी ने कहा था कि गंगा साफ नहीं हुई तो मैं समाधि ले लूंगी, अब तो प्रोजेक्ट से भी हटाई जा चुकी है। अभी मैं बनारस गया था 15 दिन पहले और हमको सुखद अनुभूति हुई, मैं बनारस अक्सर जाता रहता हूँ, तो गंगा का पानी आचमन लायक है, और जैसा आपने आरोप लगाया, आरोप नहीं जैसा आपने बताया, आप तो पत्रकार हैं। सर मैं ये खुद उमा भारती जी ने कहा था,
ये गंगा साफ नहीं हुई है, ये आरोप नहीं, ये फैक्ट है। 5 साल पहले की बात है, वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है और खासकर लॉकडाउन में पूरी तरह स्वच्छ हो गया था वातावरण। लॉकडाउन में तो सर दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर भी बिल्कुल चमक रहे थे, क्योंकि गाड़ियां चल ही नहीं रही थी। हाँ बिल्कुल, हिमालय दिखाई। लॉकडाउन में तो नदियां और वातावरण सब हवा शुद्ध हो गई। मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ अपनी ओर से, जो हमको जानकारी मिली है कि कम से कम कानपुर में जहाँ से गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है, वहाँ हजारों फैक्ट्री का निकलने वाला ड्रेनेज का पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के डाइवर्ट करके सफाई किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अभी हम कुंभ के मेले में भी गए थे पिछले साल, तो कुंभ के मेले में तो स्पेशल लगाया गया था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन वैसे भी बहुत हद तक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये दिन ब दिन की प्रक्रिया है। एक दिन साफ करने से वही मैं बोल रही हूँ कि सबको हमेशा के लिए रखना पड़ेगा। और आप आम जनता को जो ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, उनको कुछ सुझाव दीजिए, जैसे आपने गड्ढा का बात फिट्स का किया। देखिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है ना, इसके कई पहलू हैं। शहरों में जो 2-3 बात आती है वो होता है रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश का पानी एक बूंद ना बहे उसके लिए आप छत पर पाइप लगा के और उस पाइप को डीप बोर करा के, या वेस्टेड डीप बोर है जैसे आपने पहले से डीप बोर कराया हुआ है और वो सूख गया है, तो उसमें आप उस पानी को डाल दीजिए। मैंने अपने घर में किया हुआ है, अपने पड़ोसी के घर में किया हुआ है। छत का सारा पानी लगभग हमको लगता है कि 2500 स्क्वायर फीट 2500 स्क्वायर फीट का पानी जितना भी बरसता है, दिन रात हम सो रहते हैं लेकिन वो सब पानी डीप हो जाता है। एक तो ये तरीका हुआ। कितना खर्च आता है जैसे दर्शक जानना चाहेंगे? बहुत कम। मैंने जो बनवाया तो मैंने कंबाइंड बनवाया, अपने अपने पड़ोसी के दोनों छत का पानी ला के एक जगह मिलाए और दीवार से उतार के वहाँ पर पुराना डीप बोर खराब पड़ा हुआ था उसमें डाल दिए। मेरा खर्च हुआ 11,000 रुपया, 2 घर का पानी जाता है। ये तो हुआ अंदर का पानी संरक्षित करने का। अपर लेयर संरक्षित करने का क्या होता है, 8 या 10 फीट बाई 10 फीट का गड्ढा खान के और उसमें हम लोग बीच में जालीदार कुआं बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ लगाते हैं लोग ना तो ईटा जोड़ते हैं, तो जालीदार कुआं बनाते हैं और जाली के बाहर बाहर यानी कुआं के बाहर बाहर वो हम लोग ढेला ये ईटा का वो लेवल करते जाते हैं और ऊपर तक कुआं गया फर्श तक, और घर का बाथरूम का पानी या छत का पानी उसमें जाता है। इससे अपर लेयर जो है ये संतृप्त होता है और इससे आप डीप ये कुआं और हैंड बोर दो चला सकती है। ये तो 2 तरीका हुआ। तीसरा बहुत आसान और बहुत बढ़िया तरीका है, ये भी आपने कहा था कि नदी तालाब और कुआं खत्म होता जा रहा है। मैं आपको आके देखिए, मेरे दुकान के बगल में सरकारी कुआं है, सरकार ने कुआं को जो है सर्वे में मापदंड बनाया था कि यहाँ से हम नापाई करेंगे, ये वास्तविक पहचान है। तो कुआं तो खत्म होते जा रहा है, लेकिन सरकार ने उसको संरक्षित सिर्फ इसलिए किया है कि जमीन के हम वो रख सके रिकॉर्ड। तो उस कुआं में हमने क्या किया कि वो कुआं सूख गया और जैसा आप कर रही है लोग डालते रहते हैं, हमने मना किया मत डालो, और जमीन के लेवल में उस कुआं से हमने एक ईटा निकाल दिया। अब जब भी अगल बगल के छत का सारा पानी 1 घंटे में कुआं भर जाता है और आश्चर्य होगा कितना तेजी से हार्वेस्ट होता है। पानी बंद होता है, अगला 1 घंटा में वो पानी खत्म हो जाता है। सोचिए कितना उपयोगी है। ये तो ये हुआ। दूसरा जो जल ग्रहण क्षेत्र है जहाँ बारिश बह रही है ठीक उसके किनारे, ये भी हमने गुजरात में सीखा था, उसके किनारे जो भी कुआं है, जो भी रिजर्वर है, जो भी छोटा सा चेक डैम टाइप का है, उसको रिचार्ज किया जाता है और रिचार्ज करने के लिए जो पानी बह रहा है उस पानी को ले लीजिए आप छोटे से हौज बना के, और उस हौज में पानी तो गंदा आ गया, धूल मिट्टी के साथ आया, तो उस हौज में 1 फीट ऊपर से एक पाइप लगा के कुआं में डाल दीजिए, करोड़ों लीटर रिचार्ज हो जाएगा कुआं में। इसी तरह चेक डैम भी है। तो ये 3-4 तरीके हैं जिसको लोग जाने, और आपको मैं बताऊं मैडम कि जायंट्स इंटरनेशनल की ओर से हमने पंपलेट छपवा के बजाबते बांटा हुआ है, उसमें अपना इनका सबका कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, और हम लोग दुकान छोड़ के जैसे हम आ जाए हैं यहाँ पर बात करने, वैसे दुकान छोड़ के आप हमको बुलाइए, हम आपके मिस्त्री को जो भी होगा वो बताएंगे कि कैसे बनाएगा। और हम लोगों ने अपने देख रेख में लगभग 100 बनवाया है, खुद हमारे सदस्य के यहाँ 30-40 लोगों के यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग है, और इसका सुखद परिणाम आया है कि पिछले 10 वर्षों में पानी पीने की कमी नहीं हुई है। और हाँ जी बताइए। ये चीज मैं बताऊंगा कि हमारी संस्था की ओर से हम लोग प्रत्येक वर्ष विगत 10 वर्षों से राजमिस्त्री का एक सम्मेलन करता हूँ विश्वकर्मा पूजा के दिन, और उसमें कहता हूँ कि जो भी राजमिस्त्री हर अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोग्राम जरूर मालिक को प्रेरित करें।
आप 50 लाख का मकान बना रहे हो, 5,000 रुपया इसमें खर्च करो, और जो करवाता है उसको हम पारितोषिक देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं और इनाम भी देते हैं, ताकि उन लोग, और नतीजा होता है कि मिस्त्री लोग अगर आप घर बनवाएंगी तो कहेगा कि वाटर हार्वेस्टिंग बनवाइए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर जो है मिस्त्री ही बनाता है, मिस्त्री ही अगर सबको सुझाव दे। और सबसे बढ़िया बात मैं बताऊंगा, सबसे कम खर्चा में हर घर में छत के अंदर पानी निकाल के लिए पाइप लगी रहती है। कुछ मत कीजिए, बस पाइप, रबड़ का पाइप खरीदिए 100-200 रुपया में और गड्ढा करके उसमें डाल दीजिए। मैं घर में यही किया हूँ, कुछ बात नहीं, 2-3 ओरी निकली, ओरी जो बरसात के निकलती है, पाइप उसमें डाल दीजिए और तीनों का पाइप करना नहीं, हम गड्ढा में कर दिए, 10 फीट का गड्ढा किए, 10 फीट का गड्ढा करके उसमें बालू ईंटा करके भर दिए हैं और पानी आता है। देखेंगे मैडम कि एकदम गड्ढा भर गया, आधा घंटा बाद में देखेंगे पानी सब धीरे धीरे खत्म हो गया, तो वाटर बैंक ये बन गया घर में। चलिए मदन जी, कमलापुरी जी ने तो बहुत अच्छे सुझाव दिए, आप भी कुछ हमें बताएं। सबसे बड़ी इसमें है कि इच्छा शक्ति होना, इच्छा शक्ति यदि हो तो बहुत आसानी तरीके से हम काम को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बेस्ट एग्जांपल हम बच्चों को देते हैं अपने स्कूल से। हमारे स्कूल में भी बाहर में बहुत बड़ा जो है हॉल बना हुआ है, और उसी प्रकार से जालीनुमा सारा पानी वर्षा का उसी में जाता है, इवन यहाँ का जितना भी वेस्टेज वाटर है सब उसी में रिचार्ज होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों में अगर बचपन से ही जागरूक करेंगे तो फिर बड़े होने पर समझाना नहीं पड़ेगा। सही बात है, तो इसी माध्यम से हम लोग और लोगों को भी बताते हैं, प्रेरित करते हैं जी। पेंटिंग के माध्यम से भी हम लोग कई तरह के बच्चों को देते हैं कि भी वाटर हार्वेस्टिंग करो, कैसे कैसे तुम करोगे, क्या तरीका है, तो उस पर जो फर्स्ट आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम लोग अपने संस्था की तरफ से अवार्ड देते हैं। साथ ही मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोग के बीच में जागरूकता रखना जरूरी है, लोग जनता जागे, साथ में प्रशासन भी अपने स्तर से इस मुहिम को चलाना चाहिए, और हम लोग तो चलाते ही रहते हैं, खासतौर से हम लोग नई पीढ़ी के जरूर ध्यान देते हैं कि बच्चे सीखे कि वाटर ये रिजर्व करना कितना आवश्यक है, पैसे के साथ साथ जल बचाओ एक जल नारा बचाओ देना चाहिए। जी बिल्कुल, हम लोग इस तरह से मुहिम काम करते हैं, हम लोग वेलफेयर तरफ से भी आया हुआ है और अपने तरफ से भी करते हैं, और साथ ही यह निरंतर चालू रहेगा पूरे झारखंड में। और क्या कितना सहयोग मिलता है सरकार की तरफ से, क्या कुछ सहयोग मिलता है आपके? भैया हम बोल रहे हैं, चूँकि सरकारी संस्था हमारी नहीं है और हम लोग किसी तरह का सरकारी फंड नहीं लिए, जो भी करते हैं हम सब लोग अपने से करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग भाई थोड़ा सा और एक दिमाग में आ गया, मैं बेंगलोर गया था, अपनी हमारी बिटिया बेंगलोर में है तो उसके घर गया, बेंगलोर में वैसे भी अमूमन पानी की कमी है, देखा कि नल आए खोली और पूरा पूरा गिर रहा, बर्तन साफ कर रही है। अच्छा। मैं वहाँ जो साफ करने वाली थी मेड, उनको कहा कि क्यों आप फुल खोली हुई हैं, इसको हाफ खोलिए, और नतीजा क्या वो समझ गई, और दूसरा दिन इतनी सुकून मिली मैडम कि देखने के एकदम कम खोल के पानी कर रही हैं, ये कर रही हैं, मतलब एक बार कहने से ही उन्होंने मान लिया, हो गया। और मैं अपने घर में भी, मैं जो भी लड़के बच्चे हैं कहते हैं कि बाथरूम का ब्रश कर रहे हो तो नल खोल के मत करो, एक हाथ से बंद करो एक हाथ से करो, मैं वैसे करता हूँ। और जो 3-4 बाल्टी पानी से नहाते हैं मैडम, उसको भी मैं बोलता हूँ कि नहीं ये आप जुल्म कर रहे हो, रोड पे लोग पानी फेंकते हैं, गाड़ी धोलाते हैं जी, गाड़ी अक्सर पाइप से धोते हैं, उसको तो मैं रोकता हूँ, क्या कर रहे हो भाई, पीने के लिए पानी नहीं, आप गाड़ी को इतना फेंक रहे हो, थोड़ा सा पानी बाल्टी में लेकर साफ करके करो। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम अपने देश से, समाज से, अपने क्षेत्र से। और मैं समझती हूँ कि जैसे आप लोग बैठ रहे हैं, इस चीज को बात कर रहे हैं, ये आपसी चर्चा में भी कहीं बैठे तो लोगों को सिखाएं। एक चीज आपने पूछा था अभी कि सरकार ने क्या प्रेफरेंस दिया हुआ है, मानिए इतना बढ़िया सरकार का स्कीम है, लेकिन स्कीम किसका है? सरकार का। सरकार का कोई भी स्कीम लेना बहुत आसान नहीं है, इतना ज्यादा झंझट है, इतनी ज्यादा प्रक्रिया है। आपको मैं बताऊं, झारखंड सरकार हो या भारत सरकार हो, सबके तरफ से वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्कीम आते हैं, लेकिन वो जो जटिल स्कीम होता है ना, उसके चलते लोग उसको अवेल नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग छोटा छोटा टिप्स देके चाहते हैं कि आप कम से कम अपने खर्चे से कीजिए, सरकार नहीं करा पाएगी। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुझाव दिया। ज्वाइंट वेलफेयर फाउंडेशन के 3 पदाधिकारियों से आज हमारी बातचीत हुई, और आम जनता बहुत कम खर्च में कैसे पानी बचा सकती है इसके टिप्स दिए इन्होंने, अपने प्रयास भी बताए, स्वयं भी जागे हैं ये और जनता को भी जगा रहे हैं। तो पैसे तो सब बचाते हैं, बिजली भी बचा रहे हैं, तो पानी भी बचाइए, क्योंकि आज पानी रहेगा तो कल जीवन,
कल जीवन आपका ही आसान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कि आप भी सीखिए, डेली न्यूज़ झारखंड लगातार आपके लिए ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू लेके आ रहा है जिन्होंने अपने ज़िंदगी में एक मुकाम तो हासिल किया ही है, पड़ाव रास्ते में चले, संघर्ष किया, कई पड़ाव, यात्रा इनकी अनवरत जारी है। आप भी सीखिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए डेली न्यूज़ झारखंड। कैमरामैन राजा के साथ मैं शीतल विश्वकर्मा, डेली न्यूज़ झारखंड।